मास्टर जी भी नारायण नारायण कर लेने की सभी लोग नारायण नारायण उधर से हिरण्यकश्यप निकला। अरे बड़ी जोर से दौड़ा गदा पकड़ लिया। क्या कर रहे तुमको पढ़ाने के लिए हमने भेजा है, ये पढ़ाई है। ले जाकर के आज प्रहलाद जी को खंभे से बांधना चाहता है। खंभे से बोला तुम्हारा भगवान कहाँ है? अरे बोले पिताजी आज बुधवार है और किसने बताया? दिन तो रोज वैसे ही होते हैं ना। आज बुधवार है आपने कैसे जाना? आज तिथि नवमी है आपके, आपने कैसे जाना? ये शास्त्र बताता है कौन यो लिख लीजिए नाम के अक्षर कोच करी चौगुण पांच मिलाए के दो गुण कीजे आठ को भाग दिए रघुनाथ बचे पुण्यंक कहा लिख लीजिए बाहू में नाम है ताहू में नाम है। कितना बचेगा? दो। दो अक्षर केवल राम है ना, दो अक्षर होते हैं ना, दो क्या है राम। राम कहाँ है? राम कहाँ है? आपके पूरे शरीर में राम। कैसे बताओ कैसे? पूरे शरीर के हमारे सारे शरीर के अंग में दो अक्षर, वही परमात्मा की व्यवस्था है। और हम आप समझ नहीं पाते हैं, समझते हैं क्या? अभी आगे बताते हैं क्या समझते हैं। ये तो प्रेम प्यारा है, राम को केवल प्रेम प्रेम तो सूर अनेक फिरे कर मांगत पै पर सूद सो स्वाद, सूर सो स्वाद कहां। पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहां। सिय राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहां। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहां। काढ़न को प्रहलाद कहा जैसे ही तलवार उठाया और खंभे पर मारना चाहा खंभ फट गया। बड़े जोर की आवाज हुई, गड़गड़ाहट की आवाज हुई और उसमें से पैदा हो गए कौन आ गया? बोले नरसिंह भगवान की है। नरसिंह भगवान पैदा हो गए जैसे ही निकल के आए युद्ध करने लगा हिरण्यकश्यप। दोनों लोगों का युद्ध चला, सायंकाल का समय है। भगवान नृसिंह ने उठा करके उसको अपनी जंघाओं पर रख लिया। उसने कहा है कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान ने कहा कि बताओ ना दिन है ना रात है,
ना आकाश में मरू ना पाताल में मरू ना पृथ्वी पर मरू, तो बोले ना आकाश है ना पाताल ना पृथ्वी, हमार जहां गया है जगह ना। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा मारा जाओ, तो भगवान ने कहा ब्रह्मा को हम बनाते हैं, हमको थोड़ी ब्रह्मा बनाते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि बनाए हुए 12 महीनों में ना मरू, तो बोले 12 महीना नहीं, 1 महीना हमने आपके लिए अलग से रखा है, आता है ना। अधिक मल मास पुरुषोत्तम मास कई नाम है, तो ये महीना चल रहा है, फिर जब कुछ नहीं बचा तो सीधे ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, तो ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है। काली ओंकार बिल्कुल हुंकार चल रही है, बिल्कुल क्रोध में है नृसिंह भगवान। देवता लोग आए प्रार्थना किए, कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, दौड़ करके गए माता लक्ष्मी जी के पास। माता लक्ष्मी जी बढ़िया से थाली सजा करके बिल्कुल सर धज करके आई है, हम तुरंत मना लेंगे। और जैसे ही पहुंची आरती लेकर के बड़ी जोर से दहाड़ मारी भगवान ने, थाली वाली भैया है कि सीधे भागी चलो है? वापस लौट गई। नारद जी आए, प्रहलाद जी से बोले बेटा अब इनका क्रोध शांत होगा तो केवल आप। प्रहलाद जी दौड़ करके गए, प्रहलाद जी दौड़ करके गए और भगवान के सामने जैसे ही पहुंचे भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में उठा लिया और जीभ से चाटने लगे। बोले बेटा आपको हमसे डर नहीं लगा? बड़े बड़े देवता भाग गए, लक्ष्मी जी भी चले गए, तुमको हमसे डर नहीं लगा? प्रहलाद जी ने कहा भगवान शेर जंगल में दहाड़ता है लेकिन शेर को आशीर्वाद दिया, इसके बाद इन्हीं के कुल में आगे चलते हैं। राजा बलि का जन्म हुआ और राजा बलि ने अपनी पूरी संपत्ति, कथा तो बहुत बढ़िया है और बड़ी लंबी है, कथा बहुत बढ़िया है और बड़ी लंबी है, लेकिन थोड़े से प्रकाश डालते हुए राजा बलि जो है यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब कुछ दान करते हैं। भगवान बामन का वेश बना करके व्रत नामक वो है, इस व्रत को करे, इसकी कथा को सुने तो उसको बहुत बढ़िया बिल्कुल भाग्यशाली पुत्र पैदा होगा, ये भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उन्होंने कहा है। और कई लोगों को, काफी लोगों को ये हुआ है, फायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं है जो हम बता रहे हैं ये गलत नहीं है, ऐसा कभी किसी के ना हो करके देखे। पुत्र की प्राप्ति होगी और बढ़िया सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त होगा। राजा बलि की व्यवस्था है, भगवान बामन के रूप में आए हैं और 3 पग पृथ्वी मांग लिया, क्या मांगा? 3 पग पृथ्वी। अगर कोई दान कर रहा है, अगर कोई दान कर रहा है तो उसमें कुछ टांग नहीं अड़ाना चाहिए, अड़ाना चाहिए नहीं तो क्या होता है? है अगर आपने कोई दान करने वाला है 100 रुपया हम आज भगवान पर चढ़ाएंगे, अरे कहो का करियो 2 रुपया हम काम चलाएंगे, आज 9 चढ़ाइयो तो वो काम चल जाएगा। तो जिसने रोका उसका क्या होता है? शुक्राचार्य जी ने रोका था राजा बलि को दान करने के लिए कि भगवान है आए हैं, इनको दान मत दो। क्या पृथ्वी नाप लिया, 3 पग में सारा कुछ नाप लिया, राजा बलि बचे हैं, भगवान ने कहा अब हमको कहां से क्या दोगे? तो राजा दान, दान बड़ा होता है कि दान देने वाला, देने वाला। तो राजा बलि ने कहा महाराज मैं तो दान देने वाला हूं, मेरे सर पर अपना पैर रख दो। सर पर पैर रख दिया, प्रहलाद जी आए, सभी देवी देवता आए, देखिए।